यारी बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेट 28/8/2020 का लास्ट फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक जो है द शेडो पार्ट नंबर सेकंड। इसका प्यारी बच्चों पार्ट नंबर सेकंड, इसका प्यारी बच्चों आप देख सकते हैं बुक के ऊपर है ना प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड इसका प्यारी बच्चों। आज हमारा यहाँ है ही हैजेंट गॉट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑफ टू प्ले एंड कैन ओनली मेक ए फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे। और इससे ये ख्याल नहीं आया कि बच्चों को खेलना चाहिए और हर तरह से मुझे बेवकूफ़ बना सकती है। अब यहाँ पे इस बच्चे को यहाँ पे ये लगता है कि मुझे खेलना चाहिए और ये जो शेडो जो है ये इसको क्या बना रही है प्यारे बच्चों, बेवकूफ़ बना रही है। ही सिट सो क्लोज बिसाइड्स मी, ही इज अ कोवर्ड, यू कैन सी आई डिड थिंक इट्स अ शेम टू स्टिक टू नर्स एज द शेडो स्टिक्स टू मी। और ये इसके इतना करीब रहती है कि वो एक बुजदिल है जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को ये खुद महसूस हो रहा है और इसको ये लगता है ये शर्म की बात है क्योंकि ये साया मुझसे चमकता हुआ होता है, इसके साथ होता है ना प्यारे बच्चों। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, एक सुबह सूरज तुलू होने से पहले, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, तो मैंने उठकर हर मक्खन के प्याले पर चमकती ओस को शबनम को पाया। बट माय लेजी लेडी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंटस स्लीप अहेड, लेकिन मेरा सुस्त छोटा सा ये साया जो है एक गुमराह नींद की तरह, स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फॉस्ट एसलीप इन बेड, मेरे पीछे घर में सो रहा था और बिस्तर में सो रहा था। अब यहाँ पे बच्चे को ये लग रहा है कि ये शेडो जो है ये बेफजूल है क्योंकि मुझे आप इसका साथ यहाँ पे छोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये था इसका पार्ट नंबर सेकंड है ना। तो आज हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है, इख्तिताम होता है। बाकी वसलम अपना।